वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है अल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, वो है रो स्पेस अल्गोरिदम और कास्टिंग आउट अल्गोरिदम, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलम स्पेस अल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है, तो रो स्पेस भी मैं बात करने वाला हूँ और कॉलम स्पेस भी बात करने वाला हूँ, कास्टिंग आउट भी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का डिस्कशन, और ये भी हम लोग देखेंगे फाइनली कि कब हम लोग रो जो है वेक्टर्स को एज ए रो इस्तेमाल करते हैं, कब हम लोग वेक्टर्स को एज ए कॉलम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर दोनों में जो है अगर हम लोग ये ले लेते हैं वेक्टर्स एज ए रो, ठीक है, तो वेक्टर्स एज ए रो से क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेंगे, और वेक्टर्स एज ए अगर आप कॉलम लेते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है ये देख लेंगे। इस तरीके से आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है, एक रिमार्क मैंने लिखा है क्या, कि समटाइम्स वी आर गिवेन ए लिस्ट ऑफ वेक्टर इन दी वेक्टर स्पेस, ठीक है, एंड वी वांट टू फॉर्म ए फाइंड ए बेसिस, ठीक है, फॉर दी सब स्पेस एस ऑफ आर एन एक्सपेंड बाई दी गिवेन वेक्टर्स, दैट इज ए बेसिस ऑफ एस। ठीक है, द फॉलोइंग टू अल्गोरिदम्स हेल्प अस फॉर फाइंडिंग सच ए बेसिस, तो दोनों आपको हेल्प करता है। ठीक है, बट दोनों का इंपॉर्टेंस और डिफरेंस हम लोग फाइनली देखेंगे। पहले देखिए, रो स्पेस अल्गोरिदम में क्या करना होता है हम लोगों को, तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स लेना होता है जिसमें रो को क्या लेते हैं, एज ए गिवन वेक्टर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर एज ए रो, ठीक है, और वेक्टर को हम लोग क्या रखते हैं, रो में रखते हैं। ठीक है ना, जो भी वेक्टर हमारा दिया हुआ रहता है, ठीक है, रो वाइज। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको आप रिड्यूस कीजिएगा एक हेलन फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लोग आर ई एफ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये देखेंगे कि जो नॉन जीरो रो है, ठीक है, उसको हम लोग ले लेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म का, दीज रो फॉर्म ए बेसिस ऑफ द सब स्पेस, ठीक है, एक्सपेंड बाय द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आप रो से काम करते हैं, मतलब आप वेक्टर को रो वाइज लेके चलते हैं, उसको आर ई एफ में कन्वर्ट करते हैं, तो जो नॉन जीरो रोज है वही क्या करेगा, आपका बेसिस बनाएगा, ठीक है जी, और डायमेंशन भी दे देगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे, तो सेकेंड वाला, इन ऑर्डर टू फाइंड ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर फ्रॉम दी ओरिजिनल लिस्ट ऑफ वेक्टर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ वेक्टर, यानी क्या, यानी अगर जो आपको दिया है वेक्टर ना, जो गिवन आपको वेक्टर दिया है, आप चाहते हैं कि हम उसी में से पता करें कि कौन कौन सा वेक्टर जो है वो क्या करेगा, स्पैन करेगा, ठीक है, बेसिस बनाएगा। तो अगर आप ये तहत, तब आपको यूज करना पड़ेगा कास्टिंग आउट अल्गोरिदम, या बोल सकते हैं कॉलम स्पेस अल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए इसमें इसमें जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि अगर सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, कॉलम में देंगे आप वेक्टर्स को, ठीक है, कॉलम्स आर गिवन वेक्टर्स, ठीक है, फिर वही आप जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, यानी इसको आप आर ई एफ फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिलीट कास्ट आउट, इसी को बोलते हैं कास्ट आउट करना, हटाना, ठीक है, तो आप उन वेक्टर्स को हटा देंगे या उन कॉलम को हटा देंगे, ठीक है, फ्रॉम द गिवेन लिस्ट विच करस्पॉन्ड टू कॉलम्स विदाउट पिवोट्स, ठीक है, जिन कॉलम के पास में पिवोट नहीं होगा हम लोग उन कॉलम को हटा देंगे, तो करस्पॉन्डिंगली वो जो वेक्टर गिवेन सेट में है वो भी हट जाएगा, और फिर जो बच जाएगा वही क्या करेगा, आपको जो बच जाएगा जिसके पास में पिवोट होगा, ठीक है, वही क्या करेगा, बेसिस बनाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है आपको स्टेप्स लिखा हुआ है, डेफिनेटली एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन आर फाइव, ठीक है, ओके, आर फाइव में है, पांच वेक्टर आपको दे दिया है, फाइंड ए बेसिस ऑफ एस आपको बोलता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया है, दैट इज द सब स्पेस स्पैंड बाई एस कंसिस्टिंग ऑफ द ओरिजिनल गिवेन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपको वेक्टर दे रखा है ना V1 से लेकर V5 तक, उसी में से आपको बेसिस बताना है। ठीक है, तो उसी में से बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो कास्टिंग आउट है, ठीक है, ये हमको अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि हम लोग का जो कास्टिंग आउट अल्गोरिदम था वो लगाना पड़ेगा, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मैट्रिक्स में इसको लेना पड़ेगा कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम में ले लीजिए, देखिए 1 2 1 3 2, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, दिख रहा है, ये हमारा सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इसी तरीके से हमने पांच कॉलम ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे और इसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, पहले इस वन को टारगेट करते हैं, इसके नीचे सारा को आप लोग जीरो कीजिए। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट जो ऑपरेशन लगेगा वो देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है,
R2 को हम लोग रिप्लेस कर दिए, फिर R3 को हम लोग रिप्लेस कर दिए, R4 को रिप्लेस कर दिए और R5 को रिप्लेस कर दिए, तो हमारा पहला वाला जो कॉलम था उसमें हमको पीवोट मिल गया। ठीक है, अब इसको टारगेट कीजिएगा दूसरे कॉलम के लिए, तो फिर इसके नीचे बाकी को जीरो करने के लिए आप ये ऑपरेशन कीजिए, ये ऑपरेशन कीजिए और ये ऑपरेशन कीजिए, तो हमको फिर पहला कॉलम में मिला, दूसरा कॉलम में भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर थर्ड वाले कॉलम में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है जो ऑलरेडी R2 में एग्जिस्ट कर रहा, तो ये हो नहीं सकता, तो हम इसको हिट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हिट करेंगे, इसके नीचे जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑपरेशन लगाइए, ये लगाइए और आपको ये मिल गया, तो अब इसमें हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, ओके, चूँकि देखिए 1 में मिला है तो इसमें ये नहीं हो सकता था, अब ये आपका पीवोट हो गया तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कॉलम हमारे पास में विथ पीवोट है वो कौन है, वो है आप देखिएगा तो C1, C2 और C4, इसके पास में पीवोट है। ठीक है, तो हम लोग कास्ट आउट कर देंगे, हटा देंगे, किसको किसको हटा देंगे, C3 को हटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, इसको C3 को डिलीट, ठीक है, और इसको हम लोग C5 को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वी कास्ट आउट द वेक्टर U3 एंड U5। ठीक है, U3 एंड U5 यानी ये जो वेक्टर है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग U3 से डिनोट कर रहे हैं और इसको U5 से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। एंड द रिमेनिंग वेक्टर, तो जो रिमेनिंग वेक्टर है वो क्या है, U1, U2, U4 है। ठीक है, विच करस्पॉन्ड टू द कॉलम इन द इकेलन मैट्रिक्स विथ पीवोट, जिसके पास में पीवोट है। ठीक है, तो यही बेसिस बनाएगा, देयरफॉर अगर आप बेसिस लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ एस क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना था सेट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर से। ठीक है, तो सेट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर को आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग टू कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 4 है, तो वो कौन है देखिए, तो वो हो जाएगा कॉलम 1 का मतलब हो जाएगा ये V1, कॉलम 2 का मतलब V2 और कॉलम 4 का मतलब V4। ठीक है, चूँकि ये आपका डिलीट हो गया, ये भी आपका डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो V1, V2 और V4 से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V1 कॉमा V2 कॉमा V4, चाहे तो ये जो वेक्टर है इसको आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, आप डेफिनेटली इसमें 3 एलिमेंट है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अभी इसमें हम लोगों ने कॉलम का डिस्कस किया। ठीक है, चूंकि ओरिजिनल वेक्टर से पूछ रहा था, एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, बोलता है लेट एस बी द सेट ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग वेक्टर इन R4। R4 में ये 3 वेक्टर लिया गया है, V1, V2, V3। ठीक है, बोलता है पहले तो आप बेसिस बताइए और डायमेंशन बताइए ऑफ दिस सब स्पेस स्पेंड बाई एस। ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड कर दीजिए बेसिस ऑफ R4 में, और फाइंड द बेसिस ऑफ एस कंसिस्टिंग ऑफ द ओरिजिनल गिवेन वेक्टर। देखिए, अब ये देखिए दो तरह का क्वेश्चन है, 1 और 3 एक जैसा आपको लग रहा है। ठीक है, दोनों में हमको क्या पूछ रहा है, बेसिस पूछ रहा है, यहाँ भी बेसिस, यहाँ भी बेसिस। ठीक है, ओके, लेकिन इसमें जो बेसिस पूछ रहा है उसमें कोई कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, विदाउट कंडीशन आपसे पूछ रहा है, विदाउट कंडीशन, तो विदाउट कंडीशन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसको लेके जा सकते हैं किससे, रो जो हम लोग का था। ठीक है, हमारे पास में जो रो स्पेस मेथड था, ठीक है, एल्गोरिदम था, यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, यानी आप टेकिंग एज अ रो ले सकते हैं, और यहाँ पे ओरिजिनल वेक्टर से पूछा है, यानी आपको एक कंडीशन दे दिया है, तो यहाँ पे आपको जो कास्टिंग आउट हम लोग पढ़े हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दोनों को मैं समझाने वाला हूँ। तो चूंकि पहले में विदाउट कंडीशन पूछा है, तो हम रो स्पेस आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो हम रो स्पेस यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पे भी आप चाहें तो कॉलम स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 3 में कुछ नहीं आएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि बेसिस क्या है, मोर देन वन होता है। ठीक है, बहुत सारा बेसिस हो सकता है ना, मैनी बेसिस आर पॉसिबल फॉर ए गिवेन सब स्पेस, बट डायमेंशन ऑफ बेसिस इज फिक्स्ड, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैनी बेसिस हो सकता है, तो अब आप कॉलम से निकालें चाहे रो से निकालें, आपको बेसिस एक ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये होगा कि जब आप रो से निकालेंगे, तो रो से निकालेंगे तो आपको कुछ और वेक्टर मिल सकता है, ठीक है ना, जो स्पैन करेगा सब स्पेस को। ठीक है, जो भी आएगा, है ना, लेकिन जब आप कॉलम से करेंगे कास्टिंग आउट से, तो आपको ओरिजिनल वेक्टर से ही सेट एक मिल जाएगा, एक सबसेट मिल जाएगा ओरिजिनल वेक्टर का ही। ठीक है, कि जो वेक्टर गिवेन था उसी में से कौन कौन कर रहा है, तो अगर आपको ओरिजिनल में से चेकआउट करना है तो आप कॉलम लगाते हैं, और जनरल करना है तो आप बेसिस रो से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन किया गया है, तो इसमें जो मैट्रिक्स लिया गया है वो लिया गया है रो में, तो रो में लिया गया है तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए, इससे हमको जो है वो कोई भी बेसिस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए रो में रख दिया गया। ठीक है,
रख दिया कि अब V1 V2 V3 को, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा करके रो इक्वेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। 1 को टारगेट कीजिए और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आप 0 कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ऑपरेशन करने के बाद वो इक्वेलेंट फॉर्म में इस तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे जो नॉन जीरो रो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, एक तो 0 रो मिल रहा है। ठीक है, और ये इक्वेलेंट फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ये नॉन जीरो रोज़ कौन कौन है। ठीक है, देख लीजिए, वही देख लीजिए आप। ठीक है, नॉन जीरो रोज़, नॉन जीरो, ठीक है, रोज़ आर कौन कौन है, R1 है और आपका R2 है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बेसिस में आएगा उसमें R1 वेक्टर आएगा और R2 वेक्टर आएगा। ठीक है, देयरफॉर जो हम लोग बेसिस लिखेंगे, बेसिस ऑफ S, वो क्या लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक 1 -2, 5 -3, ठीक है, दूसरा ले लेंगे हम लोग 0 7 -9 और 2, ये बेसिस हो गया। तो डेफिनेटली इसका डायमेंशन क्या रहा है, डायमेंशन जो है हम जो हमारा था, ठीक है, सब स्पेस का स्पेंड बाई एस, तो डायमेंशन जो है ऑफ सब स्पेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2, चूंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस आपका 2 हो गया। बात समझिएगा अच्छे से, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसको आराम से समझना है। ठीक है ना, ओके, चलिए इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो डायमेंशन इसका 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको बोला था कि भाई बेसिस बताइए और डायमेंशन बताइए, पहला केस में स्पेंड बाई एस, ठीक है, तो बेसिस ऑफ एस ये हो गया और डायमेंशन ऑफ सब स्पेस स्पेंड बाई एस ये हो गया। ठीक है, ओके, 2। तो अब देखिए इसको आपको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करना है तो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि ये जो वेक्टर है ना, जो हमको एस में आया है, वो क्या है, वो डिफरेंट है फ्रॉम गिवेन। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, दिख जाएगा। चलिए देखिए, ये जो हमको गिवेन था, गिवेन के V1 तो मैच कर रहा है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ये नया वेक्टर आ गया, तो जो लिस्ट था उस लिस्ट से डिफरेंट वेक्टर है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम गिवेन लिस्ट, हाँ, डिफरेंट फ्रॉम गिवेन लिस्ट, ठीक है, गिवेन लिस्ट से क्या है, ये डिफरेंट है। अगर हम लोग कॉलम में लिए होते तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, जो है करस्पॉन्डिंग टू पिवोट कॉलम जो गिवेन वेक्टर था उसको लिख देते। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे चूंकि रो में लिए हैं तो जो आएगा वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन तो सेम रहेगा, लेकिन इस यहाँ पे बेसिस ये है। ठीक है, अब अगर देखिएगा पिवोट का पोजीशन, तो इसमें यहाँ पे है, इसमें सेकंड पे है। ठीक है, जो भी टपल है, सेकंड फर्स्ट टपल है, ये सेकंड टपल है, तो अगर हमको R4 तक एक्सटेंड करना है तो R4 का डेफिनेटली डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 में बनाते रहा हूँ क्या, सिंस डायमेंशन ऑफ जो R4 होता है मेरा, वो होता है 4। ठीक है, तो अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो देयरफॉर बेसिस है ना, बेसिस ऑफ R4 अगर हमको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम यही 2 ले लेंगे। ठीक है, 1 -2, 5 -3, ठीक है, 0 7 -9 और 2, ये 2 ले लिए। ठीक है, अब जो है ऐसा लेना है कि चूंकि बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पिवट के पोजीशन के हिसाब से, जैसे ऊपर हम डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, हम एक थर्ड पोजीशन वाला पिवट ले लेंगे और एक हम फोर्थ पोजीशन वाला ले लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, देखिए एक थर्ड पोजीशन वाला लेंगे तो ऐसा आएगा 0 0 A 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और एक ले लेंगे हम लोग तो उसमें हो जाएगा 0 0 0 और A हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा, या इसको आप B ले लीजिए। ठीक है, B समथिंग कोई डिफरेंट ले लीजिए। ठीक है ना, जहाँ पे हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारा AB क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो नॉन जीरो रियल लेंगे, तो अब आप देखिए, अब इसमें क्या है कि चारों जो एलिमेंट है, तो उसमें देखिएगा जो पिवट का जो पोजीशन है, इसमें फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसमें आपका सेकंड पोजीशन है, इसमें आपका थर्ड पोजीशन है, इसमें हमारा फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, तो पिवट का पोजीशन जो है हर जगह चेंज कर गया है, तो ये डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों तो था ही। अब हम लोग बाकी जो लिए हैं उसमें 0 0 लिए हैं, तो ये तो एज ए कह लीजिए कि जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है उससे आप लिए हैं, तो डेफिनेटली ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ये बेसिस बना देगा। ठीक है, ओके, तो जो बोला था कि एक्सटेंड कीजिए बेसिस एस को, तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है ना,
ओके, नंबर टू हो गया। अच्छा अब नंबर थ्री पर बात करते हैं हम लोग। आइए देखिए, हम लोग ये थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर में जैसे हम लोगों को क्या करना था, बेसिस बनाना है जिसमें ओरिजिनल वेक्टर से हमको वी वन वी टू वी थ्री से हमको निकालना है बेसिस को, ठीक है। तो इस बार हम लोग जो मैट्रिक्स लेंगे उसमें क्या लेंगे, लेट ए बी द मैट्रिक्स हुज, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम ले लीजिएगा, ठीक है, हुज हुज कॉलम्स आर दी गिवेन वेक्टर्स, ठीक है। तो कॉलम में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए कॉलम में लिखेंगे तो पहला आ रहा है आपका 1 -2 5 और -3, ठीक है। फिर दूसरा आपका आ रहा है 2 3 1 -4, और तीसरा कॉलम आ रहा है मेरा 3 8 -3 -5, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग कॉलम में काम कर रहे हैं तो कॉलम में ले लिया हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रो इक्वलन फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस करेंगे इक्वलन फॉर्म में। तो उसके लिए देखिए पहले हम लोग इसको टारगेट कर लेते हैं 1 को। तो 1 को टारगेट कर लिए तो इसके नीचे को 0 कीजिए, तो क्या क्या ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो पहला रो हमारा फिक्स रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3, ठीक है। अब हम लोग जो आर टू यहाँ पे करेंगे वो क्या करेंगे, आर टू को हम रिप्लेस कर देंगे आर टू प्लस 2 R1, ठीक है। आर थ्री को रिप्लेस कर देंगे कैसे, हम लोग आर थ्री माइनस 5 R1, ठीक है। और फिर हम लोग आर फोर को भी रिप्लेस कर देंगे आर फोर और प्लस 3 R1, तो देखिए क्या आ रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 7, और 6 और 8 हो गया आपका 14, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड रो में आ जाइए तो अगेन ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई होके आ रहा तो ये -9, 5 3 15, ठीक है, तो -3 और -15 -18 हो जा रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा लास्ट वाला तो फिर से अगेन ये 0 हो जाएगा, तो 2 3 6 अब ऐड हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 3 9 ऐड हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को आप क्या देख रहे हैं, आप देखिएगा अच्छे से, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 7 और 14, ठीक है, में 7 2 14 -9 2 -18 2 2 4, इस तरीके से हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, जो आया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो जो बहुत सिंपल है वो ये कि हम लोग जो है इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, तो ये तीन तीनों क्या है, तीनों आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। आप जैसे अच्छे से देखिएगा तो आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे देखिए अब जो नया आर टू है, तो अगर मैं यहाँ से 7 को ले लूँ कॉमन और 1 1 कर लूँ, 1 2 कर लूँ, ठीक है, तो फिर जो है आपको खुद ब खुद यहाँ पे काम हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सब में एक ही रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको हम लोग फिर फर्दर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू, देखिए आ जाएगा आपका ये 1, ठीक है, 2 3। अब यहाँ से आप चाहें तो जो है 7 को हटा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आर टू को इस तरह से आप कर दीजिए कि क्या हो जाए, आर टू हो जाए 1/7 R2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 -9 है, -18 है, चाहे तो आप इसको भी वही कर सकते हैं, आर थ्री को आप हटाएंगे तो 1/-9 करेंगे आर थ्री, ठीक है, तो ये आपका फिर से अगेन क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये आपका फिर से देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला भी आपका 0 1 2 हो जाएगा। तो मैं पहले ही से कह रहा था कि लीनियरली डिपेंडेंट दिख रहा है, ठीक है, तो जो कि आर फोर को भी आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 R4। तो अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को ये दिख रहा है कि जाहिर सी बात है कि जब हम अब फर्दर ऑपरेशन करते हैं, आर थ्री में आर टू को माइनस करेंगे आर फोर में आर टू को, तो हमको सिर्फ 2 ही बचेगा रो, 1 2 3, 0 1 2, और बाकी आपको सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब हमको देखना है यहाँ पे क्या, कॉलम्स, कॉलम विथ पिवोट्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है पिवोट, सेकंड कॉलम में पिवोट है, अभी पिवोट हो नहीं सकता, तो थर्ड कॉलम में आपके पास है पिवोट नहीं है, ठीक है। तो जो कॉल C1 एंड C2, दो जो कॉलम है, ठीक है, C1 एंड C2 R, ठीक है,
विथ पीवोट्स, ये पीवोट्स के साथ है, ठीक है। देयरफॉर इसके करस्पोंडिंग में जो ओरिजिनल वेक्टर है यानी भी वन और भी टू, वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे बेसिस बनाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर करस्पोंडिंग टू सी वन एंड सी टू, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स, यानी क्या, यानी भी वन भी टू भी थ्री, तीन तीन वेक्टर आपका दिया हुआ है, ठीक है। बेसिस क्या होगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, बेसिस ऑफ एस, एस इज क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, तो देखिए एक आ जाएगा आपका भी वन और एक आपका आ जाएगा भी टू, चूँकि सी वन और सी टू में पीवोट था, ठीक है। अब इसको आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - 2, 5 - 3, ये भी वन हो गया, और 2, 3, 1 - 4, ये आपका भी टू हो गया। तो इस पर देखिए जो हमको बेसिस मिला है वो ओरिजिनल लिस्ट से मिल गया, ठीक है। तो जो कास्टिंग आउट मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिलीट कर दिए सी थ्री को, तो यही दो बचा, तो अब बेसिस है इसका यही कहलाएगा। तो अगेन इसका डायमेंशन फिर से वही आ रहा है, टू ही आ रहा है, तो डायमेंशन आपका चेंज नहीं कर रहा है, आपको पता है, बट बेसिस आपका अलग अलग वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप अब आपको समझ में आ गया कि किसका क्या यूज़ है। तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जो हमारा रो स्पेस है, रो स्पेस का यूज़ क्या है, रो स्पेस आपको डायमेंशन भी देगा, बेसिस भी देगा, बट जनरल देगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल के लिए चाहिए तो आपको उसके लिए कास्टिंग आउट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा एग्जाम में डिमांड किया है वैसा आप काम कर सकते हैं, जैसा आपको नेसेसिटी है उसी हिसाब से आप चल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो है लोगों को ये सब बातें पता नहीं रहती हैं, तो उनको जो है बिल्कुल फ़ायदा होगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। और लास्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। जब तक आप मैथ्स पढ़ना चाहेंगे तब तक इसमें आपको मैं मैथमेटिक्स देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।